हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग गोयल, आपका फ्रेंड, आपका बड़ी, आपका मेंटर, आपका कोच। आज के सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एरे, एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो होता क्या है एरे? चलो टेक्निकल टर्म्स में जाने से पहले एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं एरे क्या है। हम जब छोटे बच्चे थे, राइट, तो हम स्कूल की असेंबली लाइन में लगा करते थे, तो वो जो लाइन है जहाँ पे हम सिक्वेंस में लगा करते थे, ठीक है, वो एक एरे है। हम मूवी हॉल में जाते हैं आज के टाइम मूवी देखने के लिए, हम एक लाइन में लगते हैं, एक क्यू में लगते हैं, वो क्या है? वो एक एरे है, ठीक है। कहीं पे भी आपको सिमिलर डेटा दिखाई देता है, कहीं पे भी आपको लाइन में कोई चीज दिखाई देती है, कोई भी चीज सिक्वेंस में दिखाई देती है, हर तरफ आपका एरे है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे रियल वर्ड चीजें देखेंगे, और इसी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, और देखेगा कि आपकी नॉलेज जावास्क्रिप्ट में और एरे में कैसे बूम करती है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में अगर हमें एरे को समझना है तो कुछ चीजें हम बहुत छोटी छोटी चीजें समझते हैं। पहली, एरे अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले कह सकते हो कि एरे जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये किस लिए काम आता है, इसलिए समझने की जरूरत है। ये काम किस लिए आता है? ये चीजें स्टोर करने के लिए काम आता है एक ऑर्डर्ड लिस्ट में। अब ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब हुआ? अगर मैं कहूं आप असेंबली में खड़े हुए, तो आप किसी ऑर्डर में खड़े होते हो। एक प्रेयर करने के लिए जब असेंबली में जाते हो तो एक लाइन में खड़े होते हो ना, एक ऑर्डर में, जिसमें मैं कह सकता हूँ पहले पहला इंसान आ जाओ, दूसरा इंसान आ जाओ, तीसरा आ जाओ, चौथा पर्सन आ जाओ, फोर्थ पर्सन आ जाओ, राइट। तो मैं नंबर में कह सकता हूं कि कौन से वाले इंसान को मुझे, कौन से वाले पर्सन को मुझे बुलाना है। तो ऑर्डर का मतलब है कि आप नंबर वाइज खड़े हो, ठीक है। तो हम डेटा जो स्टोर करते हैं इसमें एक ऑर्डर में स्टोर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एरे के केस में, ठीक है। तो इसमें होता क्या, चलो ठीक है, मेरे पास एक एरे बनाया जिसमें हमने कहा कि एक ऑर्डर होता है, कि जो भी चीजें रहती हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं। पर इसके अंदर हम रखते क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल, एक खास बात है कि जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो किसी भी डेटा टाइप का डेटा हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो वो कहेगा कि क्या स्ट्रिंग स्टोर करना है, नंबर करना है, बुलियन करना है, क्या करना चाहते हो। जावास्क्रिप्ट में खास बात है कि आप जो भी डेटा चाहो, जिस भी डेटा टाइप का डेटा चाहो, भला वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, या फिर एक दूसरा एरे हो, आप ये सारे डेटा एक एरे में स्टोर कर सकते हो, और यही एक खासियत है। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट में एरे की एक और खासियत है, जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज करना होता है, जब आप डिफाइन करते हो कि ये जावास्क्रिप्ट में एरे क्या है, तो आपको उसका साइज बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं बताना है कि मुझे इसमें कितना डेटा स्टोर करना है। आप शुरुआत कीजिए एक खाली एरे के साथ, और धीरे 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 करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि कोई भी चीज आपको ऐड करनी है, रिमूव करनी है इस एरे में, ठीक है, तो आप सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक बार फटाक से देख लेते हैं कि एरे हमारा दिखता कैसा है, और इसके साथ हम और भी ऑपरेशंस करेंगे। तो पहली चीज पहले करते हैं, हम किसी भी अगर एरे की बात करते हैं तो से सपोज में एक एरे है, एक कंटेनर है, एक हमारा डब्बा है जिसका नाम मैं ए आर दे रहा हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने एक डब्बे का नाम दिया ए आर, जिसके अंदर इसको मुझे एरे बनाना है। तो एरे बनाने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू एक किसी डब्बे में डालते हैं तो उसका मतलब क्या है? हमने एक एरे को इस डब्बे में डाला। अब हो सकता है कि इस डब्बे में मेरे को ऑलरेडी कुछ डेटा रखना था, कुछ कंटेंट रखना था, तो वो मैं कैसे रख सकता हूँ कि से सपोज अगर मैं नेम्स की बात करूं, तो बहुत सारे नाम हमें रखने हैं, एक एरे बनाना है जिसके अंदर मैं बहुत सारे नाम्स स्टोर कर सकूं। इसके लिए बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि चलिए मेरा नाम है चिराग गोयल, अगर मेरे यहाँ पे कोई अमित देख रहा है तो से सपोज दूसरा जो नाम है वो अमित है। ऐसे ही आप कितने भी इसके अंदर नाम स्टोर करना चाहते हो आप इस एरे में स्टोर कर सकते हो। तो ये तो हो गया खाली एरे, ऐसे समझते हैं, ये तो हो गया खाली एरे जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। इसके अंदर दो डेटा है, एक मेरा नाम है और विच चिराग गोयल, और एक अमित है। ऐसे ही आप भी अपना इसमें नाम स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाक से अपना नाम एक एरे बना के देखिए, उस जिसके अंदर आप अपने नाम्स रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीएस कोड में जाइए, यहाँ पे आप एक एरे बनाइए नेम्स, और इसके अंदर बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। एक एरे बनाया है जिसका नाम है नेम्स, इसमें जो डेटा स्टोर कर रहा हूँ वो है अमित, और जो स्टोर कर रहा हूँ वो है राज। इसमें आप ऐसा ही कोई भी नाम स्टोर कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एरे में, सिर्फ नाम के साथ साथ मैं और भी चीजें स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने कहा कि कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें मैं कंपनी के नेम्स भी स्टोर कर सकता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं। अगर मैं कहूँ कंपनीज, तो क्या मैं एरे में कंपनीज स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो हमने एक एरे डॉट जेएस बना रखा है,
जिसके अंदर आप जो भी हम कोड लिखेंगे इस फाइल के अंदर लिखेंगे, ऐसे ही आप एक फाइल बना लीजिए जिसमें आप अपना कोड लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपनीज का एरे बनाया जिसके अंदर मल्टीपल कंपनीज जिसमें मैंने काम किया है मैं उसमें उसको उसमें रखने वाला हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट मेरी करंट कंपनी है जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट में भी काम किया है तो मैं फ्लिपकार्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक और कंपनी है जिसमें मोइंगेज में काम किया था, मैं वो लिखने वाला हूँ। और ऐसे ही मेरा खुद का स्टार्टअप था उन पे काम किया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैंने काम किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंपनीज नाम का एरे लिया जिसके अंदर मैं अलग 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 जो कंपनीज जिसमें मैंने काम किया है वो मैं स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो मैं इसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी स्टोर कर सकता हूँ। तो एक्सपीरियंसेस मेरा, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में बात करूँ तो अराउंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, फ्लिपकार्ट में 3 ईयर का एक्सपीरियंस था, मोइंगेज में मैंने 3 साल काम किया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया और टोटल से सपोज मैंने 10 साल काम किया, तो ऐसे ही आप और 4 ईयर्स कुछ हैं जिनमें मैंने काम किया। तो आप इसमें नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं, आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि एक एरे है। एरे की खासियत क्या है, हम डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए छोटी छोटी और चीजें देख लेते हैं एरे के केस में। अगर मुझे ये डेटा एक साथ रखना था, मतलब हम जब कहते हैं जावास्क्रिप्ट में एरे, तो जरूरी नहीं कि आपके सारे ही स्ट्रिंग या सारे ही नंबर होंगे, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें मैं कुछ भी कंबाइंड स्टोर कर सकता हूं, जैसे कि पीडब्ल्यू स्किल्स। फिर अगर मैं इसमें स्टूडेंट स्टोर करना चाहूं, मे बी लाइक 20 लाख है ना, अगर मैं इसमें स्टोर करना चाहूं कि यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पे आप लर्न करते हो सीखते हो, तो मैं बुलियन भी स्टोर कर सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे ही एरे के केस में मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकता हूँ। ये एक ब्यूटी जावास्क्रिप्ट में है जो कि अधिकतर लैंग्वेजेस में नहीं मिलती है। तो चलिए इसी के साथ और चीजें देखते हैं। तो हमने देखा एरे कैसे बनाते हैं, ये है हमने एरे को डिक्लेयर किया है बेसिकली इस केस में, तो ये है एरे डिक्लेयर किया है और ये इनिशियलाइज किया है। तो एरे जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, जिसमें जो वैल्यूज हैं ये किसी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, ऐसी काफी चीजें इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आइटम की, विच इज एरे की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों क्यों जरूरत है एरे की। मतलब हमारे पास और भी चीजें हैं, हमारे पास नंबर था, स्ट्रिंग था, हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स देखे हैं, तो एरे की क्या जरूरत है, हम उनसे काम चला सकते हैं क्या। थोड़ी सी डिफिकल्टी है, एरे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देता है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज देता है, जिसकी वजह से एरे जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो दूसरी लैंग्वेज में लिस्ट कहलाता है, किसी में एरे कहलाता है, पर इसकी कैपेबिलिटीज बहुत है, बहुत पावरफुल है। तो क्या क्या करने के लिए काम आता है, पहला अगर आपको एक जैसा डेटा स्टोर करना है तो आपको ग्रुप करने के लिए काम आता है। जैसे हमने क्या किया था, एक्सपीरियंस को ग्रुप किया था, हमने क्या किया था, कंपनीज को ग्रुप किया था, हमने नेम्स को ग्रुप किया था। कहीं पे भी ग्रुपिंग की जरूरत होती है ना, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो एरे आता है। दूसरा अगर इसमें बहुत बड़ा डेटा कोई रखना है, हमें से सपोज अगर मुझे रखना है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबके नाम रखने, जैसे आधार नंबर अगर रखना है तो सारे के सारे आधार नंबर जो है मैं वो एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ। तो वो कैपेबिलिटी है, वो ब्यूटी है, बहुत परफॉर्मेंट है। परफॉर्मेंट इसलिए अगर मुझे जानना है कि पहला इंसान इस लाइन में कौन है, या आखिरी इंसान इस लाइन में कौन है, या दूसरा कौन है, अगर ये इंफॉर्मेशन निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को उसके साथ प्ले भी करना है एरे के साथ, तो मैं बहुत आसानी के साथ प्ले कर सकता हूँ। प्ले इन सेंस, किसी को ये एक लाइन है इसको दो में तोड़ना है, दो लाइनों को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये सारे काम हम एरे के केस में बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको यूज करते हैं। बहुत सारे इसके यूज केसेस देखेंगे कि कैसे हम एरे में किसी भी आइटम को निकाल सकते हैं, किसी भी आइटम को डाल सकते हैं, किसी को भी बाय बाय टाटा कर सकते हैं, ठीक है। और रीडेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल है, जो कि हम एग्जाम्पल्स के तौर पर अभी देखेंगे। अभी जैसे हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन तो देखा है, ऐसी बहुत और भी चीजें हम कर सकते हैं एरे में जिसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल तो हमने देखा कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया था, आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इसमें एरे को डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है, और इसको इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा डाल के उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। तो ये तो चलो ठीक हो गया, हमने एक तरीका इसका देख लिया, और कौन से दो तरीके हैं जो मैं एरे में यूज कर सकता हूँ, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं एरे का, एक और जो तरीका है, अगर मुझे एक नया एरे बनाना है जो कि हम ले सकते हैं, अगर मुझे जॉब से रिलेटेड बनाना है या कंपनीज का ही बनाना है, ठीक है,
तो जॉब्स की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जॉब निकली है। अगर एक जॉब है जैसे वेब डेवलपर की, एक जॉब है फुल स्टैक डेवलपर की, ठीक है, ऐसी आपकी और भी जॉब्स हैं। आपकी जॉब हो सकती है फ्रंट एंड डेवलपर की, आपकी जॉब है बैक एंड डेवलपर की, किसी भी टाइप की आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर एक तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना चाहता तो सेम चीज मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आपको क्या करना है, वेयर जॉब, इसमें आपको न्यू एरे, न्यू में एन स्मॉल होता है, न्यू एरे आप करके आप ऐसे एक नया एरे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से यहां पे दूसरा एरे बनाने का तरीका है। अगर आप, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ऐसे ही अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करना है तो आप एक और तरीका होता है एरे लिटरल बनाने का, आप न्यू ना यूज कीजिए, डायरेक्ट ये वैल्यूज दे दीजिए। अब डिफरेंस क्या होता है इनमें? कोई डिफरेंस होता है? हाँ, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए आप देखिए कि आपके पास कितने तरीके हैं। डायरेक्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट में एक एरे बना दीजिए, एक न्यू कीवर्ड यूज करके बना दीजिए एरे, या फिर ये आप डायरेक्ट एरे की तरीके से बना सकते हैं। तो ये लिटरल कहलाता है, ये कंस्ट्रक्टर का तरीका कहलाता है, और ये तो हमारा पेट तरीका है ही, ठीक है। तो मेरा जो जो मैं फ्रिक्वेंटली बहुत यूज करता हूं वो डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू यूज करता हूं, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड से भी आप बना सकते हैं, पर देखेंगे उसके क्या यूज केस होते हैं, क्यों ही हमें न्यू यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे यूज केसेस आएंगे और इन सबको भी हम डिटेल में देखते हैं। चलिए बात करते हैं एरे इंडेक्सिंग की और स्टोरिंग की, मतलब एरे में डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे हमें उसको एक्सेस करना होता है, और कैसे उसको अगर मुझे अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ एरे के अंदर, तो उस चीज को हम समझते हैं। तो अब इसके लिए कुछ छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें समझते हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा था कि एरे में जो डेटा होता है, अगर ये एरे है तो इसमें डेटा सिक्वेंस में होता है। सिक्वेंस में मतलब अगर कोई नेम है, कोई पर्सन, ये आर है, कुछ और स्टोर कर रखा है, मे बी यहाँ पे ए स्टोर कर रखा है, अगर और भी कुछ स्टोर कर रखा है, अगर यहाँ पे एम स्टोर कर रखा है, राइट, कुछ भी स्टोर कर रखा है, आपने यहाँ पे ई स्टोर कर रखा है, राइट, आपने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी आपने करेक्टर्स वर्ड आइटम्स जो स्टोर कर रखे हैं, अगर आपको इसको एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, जो एरेज होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, वो तो पक्का है कि अगर ये पहले नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, और ये चौथे नंबर पे है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर मुझे ये पहले नंबर वाला अगर करेक्टर या आइटम जो है इसको एक्सेस करना है, तो दो तरीके हैं। पहला, एक तो इसको नाम लेके बोलो, दूसरा इसको नंबर से बोलो। तो एग्जाम्पल, जब हम असेंबली में खड़े होते थे तो जनरली क्या कहा जाता था, वो जो पहला जो इंसान है पहले नंबर पे तुम आ जाओ, दूसरे नंबर पे तुम आ जाओ, तीसरे नंबर पे खड़े हो आ जाओ, राइट। तो जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी अगर लाइन में खड़ा होता है तो उसको उसके नंबर पे बोल देते हैं कि पहले नंबर वाला इंसान आ जाओ, दूसरे नंबर वाला आ जाओ। तो जनरली हम ऐसे यूज करते हैं। एरे के केस में सेम चीज होती है, बट उसमें जो पहला नंबर होता है ना उसको हम जीरो बोलते हैं। तो मतलब अगर मैं इनको पहला आर को एक्सेस करना है तो मैं बोलूंगा जीरो नंबर वाला जो है वो आ जाओ। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे खड़ा हुआ है वो उसको वन बोलूंगा, उसके बाद वाले को टू बोलूंगा, इसके बाद वाले को थ्री बोलूंगा। तो एक तो इसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा नाम से एक्सेस करने की जगह हम उसके नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जो पहला इंसान है इसको हम जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो एरे के केस में अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो इसको मैं जीरो बोलूंगा। तो ऐसे ही अगर इस केस में अगर आपके कितने हैं, अगर मान लो 10 लोग खड़े हैं, ये 10 लोग का आइटम है या एक क्यू है जिसमें 10 लोग हैं, तो जरा बताना आखिरी वाला जो इंसान होगा उसको किस इंडेक्स से बुलाया जाएगा? उसको हम 9 से बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली 10-1 पे खत्म होगा। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और जितने भी लोग उस एरे में हैं, जितने भी आइटम उस एरे में हैं, -1 आपका टोटल टोटल आखिरी इंडेक्स होता है, अगर इसको बोल सकते हैं n-1। तो एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, और कहां तक जाता है? n-1। तो हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप गए हैं सीसीडी में फर्स्ट टाइम, और सीसीडी में जाने के बाद आप अपने पार्टनर को लेके गए थे, अपनी गर्लफ्रेंड को, मे बी, राइट, आप किसी को भी लेके गए थे। अब सीसीडी में जाने के बाद उसने मेन्यू कार्ड दिया, मेन्यू कार्ड में थोड़े से डिफिकल्ट ऑप्शंस आ गए। मेन्यू कार्ड में जो ऑप्शंस थे कि कौन कौन सी कॉफी अवेलेबल है, उसमें एक्सप्रेसो था, ठीक है, लाते था,
बहुत ही डिफिकल्ट नेम है, अमेरिकानो है, मोचा है, ये कौन कौन से नाम है, और आप ये प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हो। क्या बोलूं उसको, मुझे खुद में पढ़ने नहीं आ रहा है तो कैसे बोलूंगा। तो कई बार आप ये ट्रिक अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हो। आप क्या कहते हो भैया, वो जो दूसरे नंबर वाला कॉफी है ना, ये वाला, आप ये वाला कॉफी दे दो। ठीक है भैया, वो जो तीसरे नंबर वाला कॉफी है ना ऊपर से, वो वाला कॉफी दे दो। तो जनरली ये ट्रिक तो हम हमेशा लाइफ में यूज करते हैं, जहां पे अगर हमें उसका नाम नहीं लेना है तो हम जनरली उनके नंबर से, जो उनके इंडेक्स होते हैं, उसको यूज करते हैं। बस आपको याद ये रखना है, जावास्क्रिप्ट में जो पहला वाला इंडेक्स होता है वो जीरो होता है, दूसरा वाला जो होता है वो वन होता है, इस केस में उसकी के बाद सिक्वेंस बन जाता है, ये टू होता है, थ्री होता है। इसीलिए आप देखिएगा जो भी आपके आइटम्स है ये एक ऑर्डर में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक ऑर्डर में है, इनको हमें एक्सेस करना है, तो हम कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर में एक्सेस करेंगे, ये जीरो है, ओके। क्या कोई ऐसा सिंटेक्स है जिसके थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं कि अगर इसको हमें एक्सेस करना है तो मैं लॉक करा के देख लेता हूं, कंसोल डॉट लॉक, कॉपी कौन सी चाहिए आपको, मुझे कॉपी चाहिए जो पहली वाली है, जो एक्सप्रेसो है, तो उसको मैं जीरो से कर्ली ब्रेसेस दिया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसके अंदर कौन सा इंडेक्स मुझे एक्सेस करना है वो मैं लिख सकता हूं, जो कि है जीरो। तो इस केस में ये जो कॉपी ऑफ जीरो प्रिंट करेगा, ये क्या करेगा, एक्सप्रेसो। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये क्या वाकई में एक्सप्रेसो प्रिंट करता भी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपना नोड, और नोड में प्रिंट कराने वाले हैं हम एरे डॉट जेएस। तो देखिए आपके पास क्या प्रिंट होके आया, आपके पास एक्सप्रेसो जो पहला वाला इंडेक्स है वो प्रिंट होके आया है। सिमिलरली आपके पास और भी चीजें हैं, और चीजें क्या है, अगर आपको कुछ और एक्सेस करना है, जैसे मुझे सेकेंड वाला इंडेक्स एक्सेस करना है, ये वाला लाते एक्सेस करना है, तो ये कैसे स्टार्ट होगा, ये है जीरो, ये है वन, ये है टू, तो ये जीरो वन टू मुझे लाते एक्सेस करना था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टू इंडेक्स दूंगा, थ्री नहीं दूंगा। याद रखना ये वन से स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट जीरो से होता है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो पहला आपका एक्सप्रेसो आया, और दूसरा, अच्छा फाइल सेव कर लेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, पहले एक्सप्रेसो आया और फिर उसके बाद आपके पास लाटे आया। सो एक्सप्रेसो तो ये ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा कि आपने नंबर वाली ट्रिक यूज की थी, कि अगर कभी आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही थी। तो चलिए इसी के साथ और चीजें देखते हैं कि हमने एक्सेस तो कर लिया, अब एक्सेस करने के बाद मुझे अगर किसी चीज को ओवरराइड करना है, ओवरराइड का मतलब अगर मुझे इसके अंदर ये वाला जो कॉफी है, ये कॉफी मुझे चेंज बदलना है, इसकी वैल्यू बदलनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू बदलने के लिए सेम ट्रिक यूज करते हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी होती तो मैं क्या करता, इसको लिखता कॉपी और लिखता वन, इससे मैं एक्सेस कर सकता था इसे। ठीक है, तो चलिए एक्सेस करके एक बार देख लेते हैं कि क्या वाकई में हम सेकेंड नंबर के इंडेक्स को या फर्स्ट नंबर के इंडेक्स को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखिए हम इसको एक्सेस तो कर पा रहे हैं, अब मुझे इसको चेंज करना है कोल्ड कॉफी से, मुझे ये वाली कॉफी पता नहीं यार इतना डिफिकल्ट नाम है, मुझे कोल्ड कॉफी से रखना है, तो मैं क्या करूंगा उसको इक्वालिटी असाइन करूंगा, और इक्वालिटी असाइन करने के बाद यहाँ पे हम कोल्ड कॉफी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो अब देखते हैं ये करने के बाद हमारा एरे क्या बन गया है, क्या एरे की वैल्यू चेंज हुई है या हमारा एरे वैसा ही है। तो चलिए हम कॉफी को, हमारा जो एरे है उसको वापस से पूरा का पूरा प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो इसको हम करेंगे क्लियर और एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू एक्सप्रेसो थी, सेकेंड वाले इंडेक्स लैटे था जो कि यहां पर प्रिंट हुआ। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कि ये है, इसको हमने चेंज कर दिया कोल्ड कॉफी से। अब देखिए एक्सप्रेसो था, उसके बाद ये जो वैल्यू है जो फर्स्ट इंडेक्स पे थी, ये कोल्ड कॉफी से बदल गई, बाकी सारा का सारा डेटा एज इट इज रहा। तो इसका क्या मतलब है, अगर कभी आपको कोई इंडेक्स एक्सेस करना है तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर उसको ओवरराइड करना है या उसकी वैल्यू बदलनी है, एक एरे में कोई चीज रखी हुई है उसकी वैल्यू बदलनी है, तो उसको आप जैसे एक्सेस करते हैं वैसे उस इंडेक्स में सेम लिखेंगे और इक्वालिटी के साथ उसकी नई वैल्यू यहां पे लिख देंगे, और आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं और किसी भी वैल्यू को कैसे हम अपडेट करते हैं। इसके साथ एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ये जो कॉपी है एक एरे है इसकी कितनी बड़ी लेंथ है, तो चलो हम वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा,
एक मेथड, एक एट्रीब्यूट है इस कोई भी एरे में मिलता है, तो कॉपी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डॉट लेंथ, कोई भी एरे है उसका डॉट लेंथ अगर आप करेंगे तो उसकी कितनी बड़ी साइज है, उसका कितना लेंथ है, वो आपको मिल जाता है। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बाकी सारी चीजें कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम कुछ और कंसोल नहीं करा रहे, सिर्फ एक ही चीज करा रहे कि भैया इसका साइज बता दो कितना है। तो इसने कहा इसका साइज 5 है, तो 5 का मतलब चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। तो अगर हमें एरे का कभी भी साइज निकालना है तो डॉट लेंथ करके हम निकाल सकते हैं। अब चलिए मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अगर मुझे चाहिए कि ये जो लास्ट वाला आइटम है, कोई भी एरे का जो लास्ट वाला आइटम है, वो आपको मुझे बताना है कि क्या है। आप फर्स्ट वाला आइटम तो 0 से निकाल देंगे, आप क्या लिखेंगे, कॉफी का 0 वाला इंडेक्स आपको ये मिल जाएगा, ये 1 वाला इंडेक्स मिल जाएगा। अब मैं गिनना तो नहीं चाहता, अगर ये 1000 आइटम होते, 10,000 आइटम होते, मैं गिनूंगा लास्ट तक, नहीं बहुत डिफिकल्ट है। क्या करना चाहता हूं कि डायनेमिकली आप बताओ मुझे कि ये जो लास्ट वाला आइटम है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं ये जो अभी लेंथ वाली ट्रिक थी इसको यूज कर सकता हूं? तो जैसे कि हमने देखा कि ये स्टार्ट 1 से, वो 0 से होता है और कहां तक जाता है, एन माइनस 1, मतलब एन यहां पे क्या थी, इसकी लेंथ। तो चलिए हम अगर लिखते हैं ए आर लेंथ, एक एरे की लेंथ को हमने निकाला है कॉफी डॉट लेंथ में, और हमें क्या चाहिए, लास्ट वाले इंडेक्स की कॉफी चाहिए। तो लास्ट इंडेक्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू जो एरे की लेंथ है उसमें से एक घटा दो भाई, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट वाला एन माइनस 1, लेंथ माइनस 1 होगा, तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स आ गया। अब लास्ट इंडेक्स आ गया तो कॉफी से हमें लास्ट इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, बस लास्ट इंडेक्स यहां पर रख दो इसके अंदर और हमारे पास ये लास्ट इंडेक्स आ जाना चाहिए। चलिए एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास लेंथ 5 आई विच इज परफेक्टली फाइन, और हमारे पास लास्ट वाला आइटम जो था वो हमारे पास मोचा, वो हमारे पास कैफे मोचा। तो कभी भी आपको डायनेमिकली अगर कोई भी वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि 0th इंडेक्स पे किसी भी इंडेक्स पे क्या वैल्यू है और लास्ट वाले इंडेक्स पे निकालना है, तो आप एक छोटा सा लेंथ माइनस 1 करके ऑपरेशन करके आप उसके इंडेक्स से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने क्या क्या देखा है, आपने ओवरराइड एक्सेस करना देखा है और किसी भी वैल्यू को ओवरराइड करना देखा है। चलिए एरे के केस में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो एरे के केस में कभी भी हम इंडेक्सिंग की बातें करते हैं या साइज की बातें करते हैं, अगर मानिए मैं कोई चीज ऐसी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे इसका साइज क्या है, इसका साइज है 5, हमने अभी इसकी लेंथ देखी थी कितनी है 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से लेके 5 तक इसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकता हूँ, है ना, 0 से लेके 0 1 2 3 4, 5 नहीं क्योंकि 5 तो इसकी लेंथ है, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है, यही मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर चलिए कि मैं इसके बाद भी कुछ एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और कुछ ऐसा एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जो कि इसमें है ही नहीं, मान लीजिए कि मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ 10, क्या इसमें 10th इंडेक्स है, नहीं है, 0 से लेके 4 ही इंडेक्स है और तो इंडेक्स इसमें है ही नहीं। अगर मैं कुछ ऐसा एक्सेस करना चाहूंगा तो क्या होगा, यस कीजिए, तो चलिए देख लेते हैं, अगर मैं कुछ ऐसा एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या होने वाला है, ये मुझे अनडिफाइंड देगा, कहेगा कि आप जो इंडेक्स एक्सेस करना चाह रहे हो उस इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपने सी में, सी प्लस प्लस, जावा में अगर यही काम करने की कोशिश की होती तो आपको एक्सेप्शन थ्रो करता और कहता कि आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आप आउट ऑफ रेंज बेसिकली कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, पर जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा लीनियंट है और आपसे कहेगा कि भैया मैं यहाँ पे किसी भी डेटा को नहीं जानता हूं तो इसलिए मैं आपको अनडिफाइंड दे रहा हूं, अब आप जान लो कि आपको क्या करना। ठीक है, अगर सेम चीज हमने पॉजिटिव वैल्यू के साथ की है, अगर मैं निगेटिव वैल्यू के साथ एक्सेस करने की कोशिश करता, अगर मैं लिखता -2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, क्या हम एरे में ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हम निगेटिव में कुछ एक्सेस करने की कोशिश करें, तब तो अब तो एरर देना चाहिए पक्का, क्या बोलते हैं, देना चाहिए, तो देख लेते हैं, एरर नहीं देगा, आपको ये कहेगा कि नहीं ये भी अनडिफाइंड है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर आपके पास कोई भी आइटम्स हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आपका एक एरे है जिसकी रेंज कुछ ऐसी है, आपके पास कुछ आइटम है, अब इसके बियॉन्ड आप इस तरफ या इस तरफ कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे क्या कहेगा कि भैया हम तो हैं अनडिफाइंड, और इस साइड भी आप अगर एक्सेस करोगे तो आपको ये अनडिफाइंड ही देने वाला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए इसके साथ अब बात करते हैं, अब मेरे पास ये चार
आइटम्स थे इस एरे में, अब मुझे इसको लिस्ट कराना था। तो मैं कैसे लिस्ट करा सकता था, एक एक करके सबको लिस्ट करा सकता था। बोलता कि चलो आप मेरे को जीरो इंडेक्स दे दो, फर्स्ट इंडेक्स दे दो, सेकंड इंडेक्स दे दो। इसको वापस से हम कॉपी कर लेते हैं या ऊपर टॉप पे ही यहाँ पे हम, तो हमें क्या करना है, अगर मैं कहूँ मेरे को फर्स्ट इंडेक्स दे दो तो कॉफी का पहला इंडेक्स जीरो से मिलेगा। सिमिलरली अगर मेरे को कॉफी का सेकेंड इंडेक्स चाहिए तो वन से मिलेगा, थर्ड चाहिए तो टू से मिलेगा, फोर्थ चाहिए तो थ्री से मिलेगा, और ऐसे ही मुझे फिफ्थ चाहिए तो वो फोर से मिलेगा। अब ये तो हो गया कि मैं एक एक करके एक्सेस करूं। अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारा डेटा होता तो क्या मैं एक 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 करके एक्सेस कर पाता? अगर मेरे पास एक एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, जो स्टूडेंट्स पास किए हैं उन सबका रोल नंबर है, तो मेरे पास कुछ ऐसा है 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली पास हुए। अब सारे के सारे स्टूडेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो एक एक करके करूंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, और मुझे पता भी नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। ऐसे अगर आप रियल वर्ल्ड में डेटा की बात करते हो तो किसी कंपनी में ऑर्डर की बात करो, बहुत ज्यादा ऑर्डर होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, कुछ इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं, इसको इटरेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम एक 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 करके मुझे मिल जाए, मुझे एक एक करके एक्सेस ना करना पड़े। तो उसके लिए चलिए हम समझते हैं कि हम लूप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन आइटम के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, और कैसे एक एक करके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं डायनेमिकली। तो चलिए उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक फॉर लूप होता है। इसमें फॉर लूप में हमें ऑफ एक पैरामीटर जिसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और उसके बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। तो फॉर लूप में हम कोई भी सिक्वेंस होता है, जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स एरे होते हैं, उसके थ्रू हम इटरेट करके उसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एरे है, अगर स्ट्रिंग है, हमारे पास टाइप्ड एरे है, मैप है, जो कि आपने सीखा नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे। अगर कोई भी चीज है जो इटरेट कर सकती है, जैसे मोस्टली हम अभी एरे का एग्जाम्पल लेंगे, पर हो सकता तो हम एक स्ट्रिंग का भी छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें कैसे हम फॉर लूप के थ्रू हम इन सारे आइटम्स को एक एक करके इटरेट कर सकते हैं और लेवरेज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है। अगर मुझे एक फॉर लूप लिखना है तो उसका सिंटेक्स क्या है, हमने लूप्स में देखा था कि लूप्स में बस ऊप्स वाला प्रॉब्लम होता है। अगर आपने लास्ट वाला सेशन देखा था जिसमें इन्फिनिटी पे जाने के बहुत चांसेस होते हैं, इन्फिनाइट लूप में जाने के बहुत चांसेस होते हैं, पर इस केस में जब हम ऑफ यूज करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो ये होती है कि मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे चाहिए स्टूडेंट, और मैं बोल सकता हूं रोल नंबर ऑफ जो भी मेरे स्टूडेंट के रोल नंबर है। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये एक एक करके जो भी ये लिस्ट है इसमें से एक एक करके आइटम मुझे इस रोल नंबर में देता जाएगा। पहली बार में देगा वन, दूसरी बार में देगा टू, तीसरी बार में जब इटरेट करेगा तो देगा थ्री, फिर इटरेट करेगा तो देगा फोर, ऐसी जितनी बार इटरेट करता जाएगा उतनी ही बार हमें नंबर देता चला जाएगा। तो चलिए फटाक से देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं रोल नंबर प्रिंट कराता हूं तो क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो अगर आप देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी आइटम थे वो एक एक करके आपको इस रोल नंबर में मिल गए और यहाँ पे आप प्रिंट करा पाए इसे। तो सिमिलरली अगर मुझे ये तो था रोल नंबर, और ये वाला जो केस था जिसमें मैंने कॉपी एक एक करके प्रिंट कराई, अगर मुझे एक एक करके प्रिंट नहीं करानी थी, एक लूप लगा के प्रिंट करानी थी, तो कैसे कराएंगे, चलिए मेरे साथ कोशिश कीजिए। हम क्या करेंगे, लूप में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमें इसको इटरेट करना है। हमें एक नया मे बी एक वेरिएबल बना ले रहा हूं, वो है कोई भी एक वेरिएबल बना लिया ऑफ ऑफ, तो बेसिकली इसमें मुझे कॉफी मिलेगी एक एक करके, जो भी ये कॉफीज है इसमें से एक एक करके कॉफी मिलेगी। तो कंसोल डॉट लॉग हम अगर कॉफ कराते हैं तो इसके अंदर पहली बार में एक्सप्रेसो आएगा, दूसरी बार में ये आएगा, तीसरी बार में ये आएगा, फोर्थ बार में ये आएगा, फिफ्थ बार में ये आएगा। तो एक एक करके आपका कंसोल डॉट लॉग में ये एक एक वैल्यू आके इटरेट होगी और यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक्सप्रेसो, मैट्यो, लैटे, कैफे, मोचा, अमेरिकानो, राइट, यू गेट एवरीथिंग। तो
तो इस तरीके से हम इटरेट कर सकते हैं, और हर बार जब हम इटरेट करते हैं तो इटरेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक-एक करके सारा डेटा प्रिंट होता है। तो किसी भी एरे के साथ आपको ये प्ले करना है तो कर सकते हैं। सिमिलरली एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्ट्रिंग के साथ भी देख लेते हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए आपने स्ट्रिंग लिया होता कुछ ऐसा कि मान लेते हैं एक स्ट्रिंग था नेम का, माई नेम मे बी। अब मेरे नेम में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? चिराग गोयल। आप अपने नेम के साथ ट्राई कीजिएगा। मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है जिसमें मैं कह रहा हूं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं इसके, मेरे नेम के, माई नेम के, वो सारे मुझे प्रिंट करने हैं। तो वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं? मैं यहां पे सिंपली बोल सकता हूं कंसोल डॉट लॉग, ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर में मेरे पास सारे इसके जो कैरेक्टर्स हैं CHIRAG, ये सारे के सारे प्रिंट हो जाने। चलिए चलिए देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए CHIRAG और स्पेस फिर GOEL, सो चिराग गोयल आपका प्रिंट हो गया। सेम आपका फॉर जो है एरे के साथ, आपका स्ट्रिंग के साथ, ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं, जो भी चीज इटरेट कर सकती है। और यूज केसेस देखेंगे, बट अभी के लिए हम ऐसा समझते हैं कि अगर आपको एक काम दिया गया है, एक लिस्ट में कोई चीज दी गया है, उसको बार 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 आपको वो चीज करना था पूरी लिस्ट के ऊपर, तो एक लूप लगा दीजिए जिसमें आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो लूप जाएगा और जो भी आपको काम कराना है आप करा सकते हैं। जैसे कि हमने इस केस में प्रिंट कराया है, आपको कुछ और कराना था तो वो भी करा सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल, सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें प्रिंट कराने के साथ साथ इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना था, ये जितने भी हैं इनको कैपिटल लेटर में। तो इसको मैं लिख सकता हूं डॉट टू अपर केस। तो अब ये जितने भी हैं ये अपर केस में प्रिंट हो जाएंगे, ये एक्सप्रेसो मेरा अपर केस में प्रिंट होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एक्सप्रेसो जो भी एक्टिविटी है आपको करानी है इंडिविजुअल के ऊपर, तो आप बिल्कुल बेधड़क करा सकते हैं। तो चलिए अभी हमने एरे देखा, अब तो हम क्या देखने वाले हैं, ये किसके ऊपर फॉर आप किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हो, जिस जो भी आप चीज इटरेट करने में हेल्प करता है। तो कौन कौन सी चीज इटरेट करने में हेल्प करती है वो हम देखेंगे। अब हमने अभी तक क्या देखा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें देखी हैं, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे में कैसे डेटा डालते हैं, एरे में कोई भी डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसको इटरेट करके एक एक आइटम जो है उनके ऊपर जाके उसको एक्सेस करके उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब इसके बियॉन्ड बहुत सारे मेथड हैं जो एरे के साथ हमें मिलते हैं और जिसको हम रियल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक मूवी थिएटर में और आपके पसंदीदा मूवी देखेंगे और वहां पे हम एरे के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो चलिए समझते हैं एरे के जो डिफरेंट मेथड्स हैं इनके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ही यूज है, कैसे हमें बेनिफिट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं एक मूवी थिएटर में, आपकी पसंदीदा मूवी लगी हुई है। तो मूवी थिएटर में जाने के बाद आपने देखा कि एक तो लाइन लगी हुई है, तो ये जो लाइन थी मान के चलते हैं कि आपका जो काउंटर है, टिकट काउंटर है, वो यहाँ पे है। आपके टिकट काउंटर पे टिक 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 टिकट यहाँ पे जनरेट होगी और जो भी यहाँ पे लोग लगे हुए हैं एक लाइन में, उनको एक सिक्वेंस से वो टिकट मिलती रहेगी। तो हमारा केस ये है कि जहां पे हमारे पास ये टिकट काउंटर है, लोग ऐसे इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई कोई ये खड़ा है, दूसरा बंदा खड़ा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे रियल लाइफ के यूज केसेस होते हैं, जैसे कि अगर एक नया बंदा आता है, एक नया इंसान आता है, तो वो लाइन में कहाँ लगता है? वो लाइन में अधिकतर पीछे लगता है, राइट। अब किसी को टिकट मिल जाती है तो वो टिकट मिलने के बाद क्या होता है, वो टिकट मिलने के बाद यहां से बाय बाय चला जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई आदमी आके या कोई भी इंसान आके यहाँ पे लगा और उसको कोई काम आ गया कि मैं आया तो हूं पर मुझे जाना है, वो यहां से जा भी सकता है। अब ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसा क्या यूज केस होता है, ये जो पर्सन है जो बीच में खड़ा हुआ है, इसको कोई काम आ गया, भला वो मूवी देखने के लिए आया था पर उसको काम आ गया और उसको मे बी वॉशरूम जाना है या उसको बाहर कहीं जाना है या उसको घर पे किसी इमरजेंसी के लिए जाना है, तो ये बाहर भी आ सकता है, ठीक है। अब सिमिलरली और यूज केसेस हो सकते हैं, हम लाइन में लगे थे, अचानक से कोई वीआईपी आ गया। अब वीआईपी के केस में लाइन तो एक साइड है, वीआईपी को तो सबसे पहले एंट्री मिलने वाली है। तो वीआईपी के केस में क्या है, वो जो वीआईपी बंदा है वो आके सबसे पहले यहाँ पे लग भी सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे यूज केस हो सकते हैं जो पॉसिबल होते हैं। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सेवेंथ वाला इंसान है वो अपने पार्टनर को, अपने किसी बच्चे को, अपने रिलेटिव को जो नोन है, उसको यहाँ पे खड़े करके रिप्लेस कर दे, तो मतलब ये खुद जाएगा और अपना कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे इस पोजीशन पे छोड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस होते हैं जब हम मूवी हॉल में जाते हैं। अब ये सारे यूज केसेस जो मूवी हॉल में जाने के बाद देखते हैं, क्या हम
खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? क्या इसका हम प्रोग्राम बना सकते हैं जो ये सारी एक्टिविटी काम करने के लिए हमें हेल्प करे? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जितने भी मेथड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, पॉप हो गया, पुश हो गया, शिफ्ट अनशिफ्ट, और इन्हीं सारे यूज केसेस के थ्रू हम ये सारा काम करेंगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे कि कभी आप लाइन में लगते हैं, लाइन में लगने के बाद अचानक से एक और काउंटर खुल जाता है, और वो काउंटर खुलने के बाद आपसे क्या कहा जाता है कि भैया ये वाला इतने जो पर्सन है, ये सारे के सारे पर्सन आ जाओ भैया दूसरे काउंटर पे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यूज केस होता है। कुछ यूज केस ऐसे होते हैं कि आपके पास यहां पे भी एक कोई लाइन लगी हुई थी, अब ये काउंटर होने जा रहा है बंद, क्लोज, क्योंकि इसका टाइम हो गया। तो अब क्या कहा जाता है कि ये वाले भैया जो भी हो वो इस वाली लाइन में आके जुड़ जाओ, मर्ज हो जाओ। तो ऐसे यूज केसेस हमने हर जगह देखे हैं, भला हम रेलवे स्टेशन की टिकट लेने के लिए गए हों, या हम बस स्टॉप की टिकट लेने गए हों, हम मूवी हॉल की टिकट लेने के लिए हों, लाइफ में हर जगह ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। क्या हम ऐसी चीजों के लिए खुद से प्रोग्राम बना सकते हैं जो ये सारी चीजें करने में हेल्प करे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम ये सारी चीजें सीखते हैं और ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं खुद से। तो पहला तो कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो एक लाइन है मूवी थिएटर के लिए, मूवी लाइन मान लेते हैं। तो चलो मूवी के लिए हमारे पास एक लाइन है, एक रो है, और एक एक पूरे क्यू है बेसिकली, जिसमें लोग खड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। चलिए मैं भी मूवी के अंदर आ जाता हूँ देखने के लिए। फिर हमारे पास आलोक है मूवी देखने के लिए जो आया हुआ है, हमारे पास पूजा है जो मूवी देखने के लिए आए हैं, हमारे पास विकास है जो मूवी देखने के लिए आए हैं, हमारे पास अमित है जो मूवी देखने के लिए आए हैं, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और लोग हैं जो मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। अब मूवी देखने के लिए जिन लोग जो आए हुए हैं, इन्हें मूवी कैसे मिलने वाली है? मूवी की टिकट सेम जो सिक्वेंस है, पहले मुझे मिलेगी, फिर आलोक को मिलेगी, फिर पूजा को मिलेगी, और फिर विकास को मिलेगी, और फिर अमित को मिलेगी। ये इसी सिक्वेंस में मिलने वाली है, करेक्ट? अगर मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि अब कोई एक और इंसान है जो कि इस मूवी टिकट लाइन में खड़ा होना चाहता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक और पर्सन है जिसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं न्यू, एक नया इंसान आया है जिसका नाम है मे बी अर्पण। ठीक है, अब ये इस अर्पण को भी मूवी लेनी है, तो अर्पण को मूवी लेने के लिए क्या होगा? लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में कहां पे लगेगा? सबसे पीछे लगेगा, क्योंकि सबसे पहले आओगे आप नॉर्मल इंसान हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको सबसे पीछे लगना है। अब इस लाइन में, मूवी लाइन में, अगर किसी इंसान को सबसे पीछे लगाना है तो उसके लिए तरीका क्या होता है? उसके लिए एक सिंपल तरीका होता है, इसके लिए एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं पुश। इस पुश मेथड का काम क्या है? जो भी इंसान है उसको लास्ट में पुश करने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास मूवी लाइन थी, उसमें अर्पण को आना था, मूवी देखनी थी, तो अर्पण कहां जाएगा? पुश यूज करने की वजह से ये लास्ट में जाके ऐसे ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड करने के बाद एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि अर्पण ऐड हुआ या नहीं हुआ इस लाइन में। तो हमने क्या किया, क्लियर किया, एक्चुअली क्लियर किया, और फिर हमने एग्जीक्यूट किया और देखा चिराग, आलोक, पूजा, विकास, अमित और अर्पण। तो हमारे पास अर्पण भी ये लास्ट में आ गया। अब सिमिलरली अगर किसी और इंसान को भी आना था, आपका कोई फ्रेंड मे बी एक और अर्पण के साथ कोई और फ्रेंड भी आ गई, तो नाम ले लेते हैं जैसे कि स्वाति। तो हमारे पास स्वाति है जो कि इस सेम लाइन में लगना चाहती है, तो हमने उसको भी ऐड कर दिया। स्वाति को ऐड करने के बाद हमें क्या दिखेगा लाइन में, यहां पे स्वाति भी अर्पण के बाद ऐड हो गई। तो चलिए ये तो ठीक है, अब स्वाति को आ गया कुछ काम। अब स्वाति आई तो थी इस लाइन में, लास्ट में यहां पे अर्पण लगा, यहाँ पे स्वाति लगी, स्वाति लग तो गई लाइन में, पर तुरंत ही लगने के बाद इसे कुछ काम आ गया और इसे अब जाना है यहां से। अब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं पॉप, मूवी लाइन डॉट पॉप। पॉप का मतलब होता है, हम नाम नहीं दे रहे, पॉप का मतलब ही होता है कि जो लास्ट में लगा है वो चला जाए। तो जो लास्ट में लगा हुआ है उसको बाय बाय करने के लिए, भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? पॉप करना पड़ता है। तो चलिए अब पॉप करने के बाद देखते हैं कि मूवी लाइन में कौन कौन बचा है। तो हम देखेंगे मूवी लाइन में पूजा यहां पे थी, स्वाति यहां पे थी, और स्वाति चली गई है। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट में अर्पण बचा हुआ है। और अगर हमें रियली में देखना है कि क्या हुआ, मतलब लास्ट में जो पॉप हुआ वो कौन था, तो हम देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया पर्सन, और इस पर्सन को भी मैं प्रिंट करा के देख लेता हूं।
कि ये कौन है। तो हमने देखा कि स्वाति यहां पे हमारे पास प्रिंट हो गई है ना। तो स्वाति यहां पे प्रिंट हो गई है और हमें दिखाई दे रही है कि ये है स्वाति जो लास्ट में हमारे पास यहां पे आ गई। तो चलिए हमने क्या देखा कि कैसे कोई किसी भी इंसान को लास्ट में ऐड कर सकते हैं और कैसे लास्ट से इस इंसान को यहां से बाय बाय कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, पुश, और बाहर निकालने के लिए हमने लास्ट में से क्या किया था, पॉप। अब अगर किसी इंसान को हमें स्टार्टिंग में किसी ने टिकट ले ली और टिकट लेने के बाद बाय बाय वो जाना चाहता है, ऑब्वियसली टिकट लेने के बाद ये इंसान यहां से इस लाइन से हट जाएगा। अब इस इंसान को कैसे हटाया जाए, उसके लिए होता है मूवी लाइन डॉट शिफ्ट। तो शिफ्ट मेथड से बेसिकली हम क्या करेंगे, एक आइटम एक नंबर आगे से ऐसे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए शिफ्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ। तो अगर हम शिफ्ट करते हैं वापस से, मैं मूवी को प्रिंट करूंगा लाइन को, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। हमने देखा कि शिफ्ट किया तो स्टार्टिंग में यहां पे चिराग खड़ा हुआ था और वो चिराग यहां से बाय बाय हो गया शिफ्ट करने के बाद, है ना। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, चिराग यहां से मूवी टिकट लेने के बाद चला गया। तो शिफ्ट का क्या काम होता है, स्टार्टिंग में जो खड़ा हुआ है उसको निकालने का, जो एरे के स्टार्टिंग में है उसको बाय बाय करने के लिए आप शिफ्ट यूज करते हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसको शिफ्ट करना है, क्योंकि पता है कि जो स्टार्टिंग में है उसको निकालने के लिए आपको शिफ्ट करना है, जो एंड में लगा था उसको निकालने के लिए आपको पॉप करना था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि अगर कोई वीआईपी की एंट्री हो जाती है, यहाँ पे कोई वीआईपी आ जाता है, उस वीआईपी को एक्चुअली इससे पहले, आलोक से पहले अब लगना है। तो वीआईपी को लगने से पहले बेसिकली क्या किया जाएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मूवी लाइन डॉट, एक मेथड होता है अनशिफ्ट। हम कह रहे हैं कि एक यहाँ पे वीआईपी, आपका कोई वीआईपी दोस्त हो या वीआईपी वीआईपी कोई भी एक वीआईपी है, ठीक है, जो भी आपको लगता है आपका फ्रेंड है आप उसका नाम ले सकते हैं। हमने क्या किया, एक अनशिफ्ट किया, एक वीआईपी को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखते हैं ऐड करने के बाद क्या होता है। ऐड करने के बाद हम देखते हैं वीआईपी जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज, किसी भी इंसान को आपको एरे के स्टार्टिंग में लगाना था तो उसको बेसिकली आप अनशिफ्ट कर सकते हैं और आप यहां पे एक वीआईपी बना सकते हैं, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं कि वीआईपी यहां पे लाइन में ऐड हो गया है, ठीक है। और कहां ऐड हुआ है, सबसे पहले ऐड हुआ है। सबसे खास बात क्या है, वीआईपी सबसे पहले ऐड हो गया जाके। तो हमने अभी तक चार चीजें देखी हैं, वो क्या क्या देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला, किसी को यहां पे ऐड करना था, तो आप अगर किसी को यहां ऐड करना था तो आपने क्या किया था, पुश। अगर यहां से किसी को निकालना था तो आपको क्या करना था, पॉप। अगर यहां पे किसी को आपको निकालना था तो आपको करना था शिफ्ट, और अगर आपको यहां पे किसी को ऐड करना था, लाना था, तो आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पे अन शिफ्ट, ठीक है। तो ये चार मेथड देखें, चलिए और भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड्स ऐसे ही देखते हैं। तो चलिए हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, हमने पुश करना देख लिया, पॉप करना देख लिया, शिफ्ट अनशिफ्ट देख लिया। अब अगर मुझे बीच वाला कोई पर्सन है, ये तो स्टार्टिंग और एंड में अभी तक खेला है, अगर कोई बीच वाला पर्सन है इसको अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, डिलीट करना है, मतलब इस पूजा को बाय बाय करना है, कोई काम आ गया पूजा का, पूजा को जाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा यूज केस देखेंगे कि अगर पूजा की जगह कोई रिप्लेसमेंट आना या विकास की जगह कोई रिप्लेसमेंट विकास को खड़ा करना है तो बेसिकली वो क्या करेगा, चलो वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम मेथड होता है जिसको देखेंगे मूवी लाइन डॉट, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइस। अब स्प्लाइस में हम क्या कहते हैं, कौन से इंडेक्स पे और कितने लोगों को मुझे हटाना है, तो ये बोलते हैं कौन सा इंडेक्स, मतलब स्टार्ट इंडेक्स, और ये बोलते हैं डिलीट काउंट, कितने कौन सा इंडेक्स है, कितने लोगों को मुझे हटाना है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि मुझे कौन सा इंडेक्स पे, 1 2 3 थर्ड, मतलब 0 1 2 पूजा को मुझे यहां पे डिलीट करना है, जो मैं कहूंगा 2 वाले इंडेक्स पे। कितने लोगों को डिलीट करना है, सिर्फ एक को, सिर्फ पूजा को मुझे यहां डिलीट करना है। तो मैं क्या कहूंगा, पूजा को यहां से काम आ गया, तो पूजा को मूवी हॉल की लाइन से बाय बाय जाना है। तो चलो देखते हैं अगर सेकेंड इंडेक्स पे कौन है, पूजा, पूजा को काम आ गया और पूजा को जाना है। तो हम इसको यहां पे ऐसे देख सकते हैं, अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखेंगे इस वाली लाइन में विकास से पहले जो आलोक के बाद पूजा थी वो यहां पे चली गई है, उसको कुछ काम आ गया वो चली गई बाय बाय, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये यूज केस आ गया।
अब अगर मान लेते हैं विकास को यहां पे अपना कोई रिप्लेसमेंट खड़ा करना है, तो मे भी विकास खड़े खड़े थक गया है और विकास को चाहिए कि चलो मैं अपने किसी बच्चे को खड़ा कर देता हूं, तो मैं यहां पे बोलता हूं कि विकास की वाइफ, मे भी विकास की वाइफ के साथ विकास को रिप्लेसमेंट करना है। तो विकास कहां पे खड़ा हुआ है? विकास खड़ा है 0 1 2 सेकेंड वाले इंडेक्स पे विकास है। विकास को अपने एक नंबर से किसको रिप्लेस करना है? अपने आप को रिप्लेस करना है विकास की वाइफ से। तो हम इसको 2 स्टार्टिंग इंडेक्स, 1 कितने लोगों को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, हम यहां पे ऐसे दे सकते हैं। तो चलिए हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा विकास जो है वो अपनी विकास अपनी वाइफ से रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस करने के लिए भी हम स्प्लाइस यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस है। तो जो हमने यहां पे देखा था पूजा का, तो इस केस में निकालने के लिए हम इसको स्प्लाइस यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रिप्लेस करने के लिए भी, जो रिप्लेसमेंट था उसके लिए भी हम स्प्लाइस यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी तक कि हम स्टार्टिंग में, एंड में और मिड में अगर एरे के साथ प्ले करना है, तो बेसिकली इस तरीके से हम स्प्लाइस के थ्रू किसी को डिलीट कर सकते हैं, या स्प्लाइस के थ्रू किसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए और यूज केस देखते हैं, और हमारे पास क्या यूज केस होंगे। जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे पास कुछ यूज केस था जिसमें हमारे पास एक काउंटर था, यहाँ पे एक ये काउंटर है, हमारे पास एक दूसरा काउंटर है, एक काउंटर जो है ये बंद होने वाला है, ये वाला काउंटर बंद होने वाला है। अब इस काउंटर के जो लोग हैं इसी काउंटर पे लगना पड़ेगा, ताकि ये इस काउंटर पे लगने के बाद सारे के सारे लोग यहाँ पे टिकट ले सके, क्योंकि ये काउंटर बंद होने वाला है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और से, सपोज हमारे पास मूवी की दूसरी लाइन थी, मूवी लाइन 2, इस मूवी लाइन में हमारे पास राम श्याम और घनश्याम खड़े थे, ठीक है। तो मान लीजिए दो लोग थे, अब ये इनका तो काउंटर जो है वो बंद होने वाला है। अब ये क्या करेंगे, जो लोग अवेलेबल थे ये मूवी लाइन में और ये जो मूवी लाइन में, इन दोनों को कंबाइन होके खड़ा होना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मूवी लाइन डॉट कॉनकैट मूवी लाइन 2। सो कॉनकैट के थ्रू बेसिकली जो जो एक नई लाइन बनेगी वो लाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नोट कीजिएगा, इससे जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, आपकी दोनों लाइन कंबाइन होकर एक नई लाइन बन रही है, ठीक है। तो इस केस में चलिए हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। एग्जीक्यूट किया, लास्ट में देखिए इसमें वीआईपी आलोक अर्पण तक, यहां तक तो सेम था। अब राम और श्याम जो कि एक दूसरी लाइन के पार्ट थे, वो भी इस लाइन में आके जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारा दूसरा काउंटर बंद हो गया, दोनों काउंटर से एक नई लाइन बनी जिसमें ये सारे के सारे लोग थे। अब कंसिडर करते हैं उल्टा यूज केस, जहां पे हमारे पास एक लाइन हो गई बहुत बड़ी। अब इसमें किसी को चाहिए था कि भैया इसके कुछ लोग जो हैं वो मुझे दे दो, ताकि मैं यहाँ पे बिलिंग इनका और टिकटिंग कर दूं। तो इस केस में अगर से सपोज मुझे लास्ट के स्टार्टिंग के अगर मुझे 5 लोग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए एक मेथड होता है स्प्लाइस, मूवी लाइन डॉट स्प्लाइस, जिसको हम एक इसको वापस से अपनी नई जो पुरानी वाली लाइन थी उसी में डाल देते हैं। तो हमारी मूवी लाइन जो है वो कॉनकैट जुड़ने के बाद ये बड़ी लाइन बन गई। अब इस बड़ी लाइन में हमें चाहिए कि नहीं भैया ये तो बहुत बड़ी लाइन हो गई, मुझे कुछ लोग दे दो। तो ये बोलते हैं स्टार्ट इंडेक्स, और मुझे कहाँ कितने लोग बेसिकली चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट और मुझे नंबर बता दो कितने लोग मुझे चाहिए। तो ये हमें बताना होता है कि कितने लोग चाहिए। तो स्टार्ट इंडेक्स में कह रहा हूं कि मुझे 0 से स्टार्टिंग के 5 लोग या 4 लोग दे दो। तो आप देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या आता है स्प्लाइस करने के बाद। इसको हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग स्लाइस, अगर करते हैं तो देखिए क्या आया, क्लियर। और इसको एग्जीक्यूट कीजिए, देखिए लास्ट वाले में क्या आया, 0th इंडेक्स वाला इंसान, 1st इंडेक्स वाला, 3rd, 2nd और 3rd, ये सारे इंडेक्स वाले लोग मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो अगर इसको थोड़ा सा अलग प्रिंट भी करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको एक लाइन से सेपरेट कर सकता हूं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। वापस एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखिए ये जो है आपके पास कौन से आ गए, स्टार्टिंग के 4 लोग, 0th इंडेक्स से 4 लोग मुझे दे दो। अगर 0th इंडेक्स से नहीं चाहिए होता, मुझे 1st इंडेक्स से चाहिए होता, तो मुझे 1st इंडेक्स से मिल जाता, मुझे वीआईपी नहीं मिलता इसमें। तो आप देखो आलोक, विकास और अमित, मेरे पास यहां पे ये सारे लोग आ गए, ठीक है। तो हमें कहां से, इस वाले इंडेक्स से इस वाले इंडेक्स तक,
यह स्टार्टिंग का और यह एंडिंग इंडेक्स मैंने दे दिया कि कहां से कहां तक मुझे, मेरे को ये कॉपी करके दे दो। तो फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक मेरे पास ये सारे स्प्लाइस करने पे आ गए। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, क्या चीजें सीखी हैं। हमने पॉप मेथड के बारे में देखा, हमने पुश के बारे में देखा, हमने शिफ्ट के बारे में देखा, हमने अनशिफ्ट के बारे में देखा, हमने कॉनकैट के बारे में देखा, हमने ज्वाइन नहीं देखा, हम ज्वाइन अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, हमने स्लाइस के बारे में देखा है, हमने स्प्लाइस के बारे में देखा है। अब ये इंडेक्स ऑफ और रिजर्व भी कुछ मेथड होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉनकैट की। जो भी हमने कंसोल डॉट लॉग लिखे थे उसको मैं अभी के लिए बाय बाय कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारा क्लटर कंसोल में आपको दिख रहा होगा, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कंसोल लॉग को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो चलिए कंसोल डॉट लॉग हमारे यहाँ पे हट गए। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि हमारे पास जो भी लोग थे अभी तक, जो भी हमारे पास मूवी लाइन में लोग हैं, मूवी लाइन में कौन कौन से लोग हैं, ये सारे लोग मूवी लाइन में खड़े हैं। अगर मुझे चाहिए भैया इन सबके नाम मुझे एक बार में दे दो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मूवी लाइन में लोग खड़े हैं इनको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे कॉमा सेपरेटेड करके इन सबके नाम दे दो। तो चलिए देखते हैं क्या ये कॉमा सेपरेट करके हमें नाम देगा। तो हमें वीआईपी आलोक विकास वाइफ अमित अर्पण राम श्याम सारे के सारे कॉमा सेपरेटेड मिल गए। अगर मुझे कॉमा सेपरेटेड नहीं चाहिए थे, मुझे हैश हैश सेपरेटेड चाहिए थे, तो भी मैं यहां पे जो भी पैरामीटर दूंगा उसके बेसिस पे ये चीज ज्वाइन हो जाएंगी। तो चलिए जैसे कि हम देख लेते हैं, क्लियर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखिएगा ये सारे हैश से वापस से ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है जब स्ट्रिंग के साथ आप प्ले करेंगे, तो सिमिलर डीलिमिटर बोलते हैं इसको, उसके बेसिस पे आप स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ज्वाइन किया ऐसे स्प्लिट करने के तरीके होते हैं जो कि हम और सीखेंगे अच्छे से। तो हमने ज्वाइन अभी के लिए चलिए हम कॉमा से सेपरेटेड ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये आया। अब कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये जो नाम थे लिस्ट में, जो कि मूवी लाइन में हमारे पास सारे नाम थे कंसोल डॉट लॉग में, देखते हैं हमारे पास मूवी में कौन कौन से नाम है। ये सारे लोग अभी लाइन में खड़े हुए हैं, तो वीआईपी आलोक विकास वाइफ अमित अर्पण राम श्याम ये सारे के सारे लाइन में खड़े हुए हैं। अचानक से क्या हुआ, किसी ने कहा कि नहीं अब काउंटर इधर नहीं खुलेगा, काउंटर उधर खुलेगा। तो मतलब रिवर्स का मतलब सबसे पहले श्याम आ गया, फिर राम आ गया, फिर अर्पण आ गया, उल्टा हो गया। ऐसा कभी आपके साथ लाइफ में हुआ है? मेरे साथ कई बार हुआ है। तो चलिए अगर इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। इसके लिए एक मेथड होता है डॉट रिवर्स। अगर मैं रिवर्स मेथड कॉल करूंगा तो देखिए क्या होगा इनके साथ। अर्पण आलोक विकास ये थे, अब उल्टा हो गया, श्याम पहले आ गया, राम उसके बाद आ गया, फिर अर्पण आ गया, फिर अमित आ गया। ये जो सिक्वेंस है ये पूरा का पूरा सिक्वेंस ही उल्टा हो गया, ठीक है। तो रिवर्स का बेसिकली ये फायदा होता है कि हम ऐसे रिवर्स उन्हें कर सकते हैं। अब कंसिडर एग्जाम्पल कि आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी आपसे कहा जाता है कि वो जो पहले इंडेक्स पे जो खड़ा हुआ है ना उसको बुला लो। पहले इंडेक्स मतलब जो पहले नंबर पे खड़ा है उसको बुला दो, सेकंड नंबर पे खड़ा है उसको बुला दो, थर्ड नंबर पे खड़ा है उसको बुला दो। तो हम अगर किसी इंसान को पता करना है कि वो फर्स्ट नंबर पे खड़ा है वो कौन है, या उसको एक्सेस करना है, तो हम डायरेक्टली जाके पूछ लेते हैं कि भैया आप कौन हो। अगर हमें प्रोग्राम से कहना है कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो है ये मुझे दे दो, है ना, तो हम यूज करते थे ये स्क्वायर ब्रैकेट। हमने क्या किया था, दोबारा देखते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स पे मूवी लाइन में, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे कौन खड़ा है, यहां पे आलोक खड़ा था, तो चलिए देख लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट। देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा है, आलोक, मतलब जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे आलोक खड़ा। तो हम इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब उल्टा मान लीजिए, मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, मुझे नाम पता है, मुझे पता करना है यार पता करो अमित कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है, इस लाइन में अमित कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है मुझे ये पता करना है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए तरीका होता है, मैं इसको लिख सकता हूं मूवी लाइन डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में मैं इसको लिख सकता हूं अमित। मुझे बता दो भैया अमित कहां पे खड़ा हुआ है, मुझे ये जानना है। तो इस पूरे को मैं बोल देता हूं कंसोल डॉट लॉग, इसको मैंने लॉग कराया
और देखते हैं कि अमित कहाँ खड़ा हुआ है। तो चलिए आप पहले बताइए कहाँ खड़ा हुआ है अमित। 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। तो चलो ये एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि वाकई में थर्ड इंडेक्स पे है। देखिए हमारे पास क्या आ गया, थर्ड इंडेक्स पे अमित खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कभी भी आप इंडेक्स ऑफ अगर निकालना चाहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से लाइन नंबर पे वो पर्सन खड़ा हुआ है लाइन में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एरे में और बहुत हेल्पफुल तरीका होता है। आपको पता करना है कि क्या ये पर्सन इस लाइन में है, क्या ये पर्सन इस क्लास में है, क्या ये पर्सन क्या कहते हैं रोल नंबर पास वाली लिस्ट में है, क्या ये टॉपर की लिस्ट में है, कुछ भी। ठीक है, आपको कभी भी कोई चीज निकालनी होती है, पता करनी होती है क्या ये एग्जिस्ट करती है नहीं, उसके लिए हम ये इंडेक्स ऑफ यूज करते हैं। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा नाम लेता हूं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, मे बी मैं इसमें नाम लेता हूं कोई कुमार, कुमार है, कुमार इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है नहीं, तो अगर जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट क्या रिटर्न करता है वो हम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है -1। मतलब ये कहता है कि -1 इंडेक्स का मतलब होता है कि वो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप इसके बेसिस पे कुछ लॉजिक लिख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। तो बस आपको क्या याद रखना है कि क्या अगर इंडेक्स -1 है तो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर 0 भी है तो वो एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि 0 वाला इंडेक्स ये भी IP1 है। तो चलिए ठीक है, इसके साथ साथ आपने ये आपका इंडेक्स ऑफ रिवर्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें देखी है। इसके साथ साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सीरीज को, इस एपिसोड को देखने के लिए। आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, इसमें हमने बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग की है, हमने एरे के बारे में सीखा है, फंडामेंटल चीजें सीखी हैं, डिक्लेरेशन सीखा है, हमने इसमें इनिशियलाइजेशन सीखा है, कैसे किसी इंडेक्स में डेटा निकालते हैं, कैसे उसमें वापस से डालते हैं, कैसे उसको लूप लगा के इटरेट करके हम सारी चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड देखे, हमने लेंथ किसी भी एरे का निकालना देखा है, इसके साथ हमने देखा कैसे हम एक मूवी हॉल में किसी भी इंसान को लास्ट में ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, टिकट लेने के बाद अगर कोई इंसान जाता है तो कौन सा मेथड यूज होता है, VIP कोई आता है तो वो कहां पे आता है, किसी को जरूरी काम आ गया अगर वो बीच में से जाना चाहता है तो क्या मेथड यूज करेंगे। ऐसे ही हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड्स देखे हैं। आप बताइएगा कमेंट में कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ बने रहिएगा।